ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਾ ਪੂਰ ਉਸ ਬੈਂਚ कटे कटी हर चलो कैरी ऑन बॉर्डर देखो जट कोलर चढ़े तो है ना टोटे करता है एक भी नहीं हो आज सबसे पहले हमारे भारत में बहुत ही श्रद्धा के साथ आज का दिन जो है रामनवमी का ये पवित्र पर्व है और इसे बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और मैं इस पवित्र दिन पे सभी देशवासियों को और सबको मैं अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकें और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज इस शुभ दिन पे यहां पे एक शुभ कार्य जो है वो किया गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लिंक रोड था जिस पे आज यह ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो शुरू किया गया है। ये कोटली गलावाना से लेके और पंचायत जो बडीला है वहाँ तक ये रोड बनेगा। ये तकरीबन 2 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इस पे 1 करोड़ रुपये की लागत से ये जो रोड है ये कंप्लीट होगा। तो ये बहुत ही यहाँ की बहुत पुरानी मांग थी, बहुत पुरानी डिमांड थी, क्योंकि काफ़ी एरिया जो था ये इस रोड ना होने से काफ़ी परेशानी थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी लोगों को आने जाने में। और ये रोड बनने से जो हमारा मेन आरसपुरा जम्मू रोड है उसके साथ लिंक होगा और ये जो रिंग रोड है यहाँ से ये शुरू होके जो हमारा मेन रोड है वहाँ इसको जोड़ा जाएगा और लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। और ये बिल्कुल शॉर्ट रास्ता है और यहाँ जो बस्ती है उसको भी इस रोड का बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और आप जानते हैं कि हमारे माननीय सरपंच सूर्य प्रकाश जी, सरपंच हमारे दर्शन जी, इन सब के प्रयास से ये जो आज काम हो रहा है, हमारे BDC जो चेयरमैन है उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है। तो हम सब के प्रयास से ये जो रोड है ये बनने जा रहा है और मैं आज आप देख रहे हैं कि इस एरिया के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि काफ़ी पुरानी जो मांग है इनकी आज पूरी हुई है। तो मैं सबको दोबारा बहुत बहुत बधाई देते हुए, मुबारकबाद देते हुए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये जो आज रोड का काम स्टार्ट हुआ है, मेरे साथ खड़े प्रोफेसर गारू राम जी और मेरे साथ लगती पंचायत उसके सरपंच दर्शन लाल जी और मेरे पंच पवन कुमार जी और बचन लाल जी, पहला नंबर तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ हर काम जो कंधे से कंधा मिला के किया हुआ है। और ये जो रोड है ना इसका तो बहुत कम से कम भी 8-10 गाँव को फ़ायदा होगा। ये जो 2 किलोमीटर जो तारकोल बिछेगी ये बहुत शॉर्टकट रोड बनेगा और आगे वाले जो गांव है, जो पीछे वाले गांव है, इन सबको फ़ायदा होगा। कम से कम भी 10 गांव ऐसे हैं जो इधर से शॉर्टकट रास्ता जो सबको फ़ायदा होगा।
और मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद जय भारत। चौधरी देखिए जी रोड जरा मैं डोगरी के बोलगा जरा शुरू हो अज ये शुरू नहीं होया कि एक बड़ी बड़ी मुबारक है इंदी लोगों की बेचारे जुल्ले भी कोई साढ़े तो मैं ना खाने चाचा होना करा देना जुल्ला कोई बारिश होती तो आखते जी चाह पीना भी हो क्योंकि कोई भी खुशी गमी ऐसी होती ही तो इन्हें बेचारे की परेशानी ज़्यादा होती ही ज़्यादा करिए लोग इतना बॉर्डर पर रहते हैं जुल्ले भी कुछ फायरिंग होती ही हूँ तो चलो कड़ा मसला नहीं रहा बेचारे बेला केला बे टाइम आते हैं तो उनके नंघिया नहीं जाता सारे लोग जल आते सारे लोग प्रयास होया अस सरपंच होए जां डीडीसी बीडीसी जो भी है चलो ये तो भाई हिंदुस्तान नरेंद्र भाई मोदी ने जाल बसाया था एक रोड का ऐसा रोड कोई नहीं है जो कोई रही भी गया वो भी शुरू हो रहा बाकी ज़्यादा है मुबारक इन्हें तो देंगे कि जिन्ने पिछे रहे इन्ना ही अच्छा बनग जेडे लोग बार्डर के अगर रहते हैं जो कोरटाना बदुलियाँ सतीतगढ़ ये सारे लोगों के स्टार लिंक पाँगा लिंक रोड पाँगा इस यदि मुबारक मैं डॉक्टर साहब भी देगा सरपंच साहब भी देगा सारे लोगों ग्राएं देगा जय हिंद जय भारत।